हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धिरान, यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आपको पता है कि एक मैंने आज ही एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पे मैंने बोला था कि स्कूल कॉलेज ओपन होने का चांस नहीं है जनवरी में। मैंने क्यों बोला था, क्या बोला था, अभी प्रूव हो चुका है, क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस है, लॉकडाउन नहीं है पर लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस है, उसको एक्सटेंड किया गया है। कब तक एक्सटेंड किया गया है, कब तक ये चल सकता है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ क्या क्या बंद रहेगा, क्या क्या ओपन रहेगा, कितना रेस्ट्रिक्शंस आपका होगा, सब कुछ मैं आपको बोलूंगा। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज्यादा समय न लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो है लाइव मीट पे आया है। यहाँ पे बोला जा रहा है वेस्ट बंगाल न्यू गाइडलाइंस ऑन मैरिजेस फेयर्स कर्ब्स एक्सटेंडेड टिल January 31st। मतलब January 31st तक, पहले जो अर्लियर नोटिस आया था मैंने सुबह भी आपको दिखाया कि 15 जनवरी तक बोला गया था एक्सटेंड किया गया है वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन नहीं लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस, बहुत ही ध्यान से सुनना। तो उसको अभी और भी एक्सटेंड किया गया है January 31st तक, क्योंकि डेली वेस्ट बंगाल में 20,000 से ऊपर केसेस आ रहे हैं। अभी डेफिनेटली जो आपका बंद किया गया था उसको फिर से ओपन करना थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए अभी बोला जा रहा है कि January 31st तक आपका क्लोज रहेगा। जो क्लोज था, किस किस इंस्टीट्यूशंस क्लोज था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्लोज था, उसके साथ साथ क्लब्स आपका क्लोज था, आपका स्विमिंग पूल, ये सब जो है मतलब जहाँ पे एक्चुअली जो मास स्प्रेडर होता है वो सब आपका क्लोज किया गया था। पर अभी दो चीज़ में रिलैक्सेशन दिया गया है। क्या क्या है, मैरिज में आपको पता था कि 50 लोग पहले जाने के लिए एलिजिबल थे, अभी उसको 200 किया गया है। एंड फेयर्स में भी एलिजिबल किया गया है, पर मतलब बहुत कम लोगों को ही एलिजिबल किया जाएगा। पर अब जो आपका डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बोला जा रहा था 50 कैपेसिटी करके काम हो सकता है, ऑफिसर्स जो बोला गया था 50 कैपेसिटी करके काम हो सकता है, वो आपका एज इट इज ही रहेगा। डेली वेस्ट बंगाल में बहुत सारा केसेस आ रहे हैं, इंडिया में भी 2.6 लाख के आसपास केसेस आए हैं। तो इस बीच अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये रेस्ट्रिक्शंस जो है और भी स्ट्रिक्ट करने के लिए बोला गया है, पर अभी मैरिजेस में एंड फेयर में इसमें थोड़ा बहुत अलाउ किया गया है, अदरवाइज आपका सभी चीज ऑलमोस्ट सेम रहेगा। स्कूल कॉलेजेस भी अभी आपका बंद रहेगा 31st of January तक, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो आपके ट्यूशंस हैं, ट्यूशन क्लासेस हैं, सब कुछ ही अभी आपका बंद रहेगा मैक्सिमम। यही बोला जा रहा है कि ऑनलाइन में ही कंटिन्यू करने के लिए, तो डेफिनेटली ऑनलाइन प्रोसेस अभी आपका चलेगा। एंड आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वही बोला गया है कि मैरिज जो रिलेटेड फंक्शंस है वहाँ पे 200 पीपल जो है मैक्सिमम एलिजिबल हैं जाने के लिए, 50% आपका सिटिंग कैपेसिटी हॉल में रखना पड़ेगा। किसी भी हॉल हो, मैरिज हॉल हो या फिर किसी सेमिनार हॉल हो, अगर ऑफिस रिलेटेड भी कोई सेमिनार हॉल है वहाँ पे 50% कैपेसिटी ही रखना पड़ेगा। और फेयर जो है यहाँ पे देख सकते हैं मेला में भी क्या बोला जाए, देखिए मेला में भी अलाउड इन ओपन एयर वेन्यू इन अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड मैनर। तो मेला भी अभी ओपन किया गया, मुझे लगता है ये डिसीजन अगर ना लिया जाता तो अच्छा होता, इसमें मास स्प्रेडर हो सकता है ओमिक्रॉन या फिर किसी भी ओमिक्रॉन या फिर किसी भी आप बोल सकते हैं कोरोना वेरिएंट। तो डेफिनेटली ये जो डिसीजन है ये मुझे पर्सनली थोड़ा पसंद नहीं आया है, अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक है। जो आपका क्लोज था वही आपका अभी क्लोज भी रहेगा। और देख सकते हैं बिसाइड दिस ऑल आउटडोर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल विल बी प्रोहिबिटेड बिटवीन 10 PM to 5 AM। तो रात में जो आपका नाइट टाइम था, नाइट कर्फ्यू जैसा आपका चल रहा था वैसे ही आपका चलेगा, किसी भी टाइप का आउटडोर एक्टिविटीज अलाउ किया नहीं जाएगा रात के टाइम पे, एंड बाकी सब कुछ जैसे आपका पहले था वैसे ही आपका रहेगा। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि प्रीवियसली बोला गया था वैसे ही आपका एक्सटेंड किया गया है। तो 15 जनवरी तक पहले था, अभी उसको 31st of January तक कर दिया गया है। तो 31st of January तक भी आपका स्कूल कॉलेजेस या फिर आउटडोर का जो आपका नाइट कर्फ्यू था ये सब आपका जारी रहेगा। तो जो ऑलमोस्ट सेम पार्शियल लॉकडाउन चल रहा था वो पार्शियल लॉकडाउन अभी आपका 31st of January तक चलेगा। पर ये बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था क्या फरवरी तक ये आपका बढ़ाया जा सकता है, तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली हाँ बढ़ाया जा सकता है। जो सिचुएशन है फरवरी में भी ओमिक्रॉन का डर रहेगा, डेल्टा वेरिएंट का भी डर रहेगा, तो फरवरी तक भी ये बढ़ सकता है, फरवरी एंड तक भी बढ़ सकता है। पर डेफिनेटली 15 डेज करके ही बढ़ाया जाएगा, ऐसे अचानक एक महीना दो महीना नहीं बढ़ाया दिया जाएगा, क्योंकि ओमिक्रॉन का सिचुएशन या फिर कोविड का सिचुएशन इतना पहले से हम लोग मतलब जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैं आपको यही बोलूंगा अभी January 31st तक बंद है, पर फरवरी का अगर आप पूछे हाँ बंद हो सकता है, पर जब तक नहीं अनाउंस होता, गवर्नमेंट का नहीं अनाउंसमेंट आता, हम लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो यही था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर सब लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।